हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के शेयर पे। फ्रेंड्स, स्टॉक की क्या कुछ अपडेट है और कैसा मूवमेंट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा, क्या इसके सपोर्ट रहेंगे, क्या इसके टारगेट रहेंगे, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इनकी 26 को अपडेट आई थी फंड रेज करने की, जिसके बाद कंटिन्यू आपको पॉजिटिव माहौल स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अभी पॉजिटिव माहौल कहाँ तक देखने को मिलेगा, क्या लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर करना। अब बात करते हैं कि भाई, ये जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, ये हमारी स्पोर्ट जोन है। यहाँ पर आपको बताया था ये हमारी स्पोर्ट जोन है, और यहाँ से अगर रिकवरी दिखाता है तो अपसाइड का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। स्पोर्ट के ऊपर यहाँ पे आपको हैमर बनती हुई नज़र आएगी। अच्छे से मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट डाउन गई, लेकिन बायर हावी होके मार्केट अपसाइड लेके गई, तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना रेडी था। तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल, कुछ न्यूज़ आ गई न्यूज़ के बेस पे, और कुछ चार्ट हमें इंडिकेशन दे देता है कि कैसा माहौल आपको देखने को मिल सकता है। अब कहोगे कि ये तो हो गया, अब बताओ अब क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये है रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे 853 का, कल रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकआउट कर दिया तो फिर भाई 860 का रहने वाला है। फिलहाल ऐसी कोई भी कैंडल नहीं बनी है जिससे कि हम ये कह दें कि भाई पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव, क्योंकि कैंडल बनना भी इम्पोर्टेंट है कि भाई कौन सी कैंडल बन रही है। यहाँ पे भाई जो हमारा सपोर्ट था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने, कल कन्फर्मेशन भी मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर हम देखें तो भाई टारगेट हमारा 902 का रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हम ऊपर के जो टारगेट है वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, बट अभी तो टारगेट यही हमारा रहने वाला है। बाकी जो देखो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, टेंशन मत लीजिए। आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न स्टॉक देने वाला है। और कोई चाहता है कि भाई मैं कम टाइम के लिए, हफ्ता, 10 दिन, महीने भर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो इन लेवलों को आप ध्यान में रख सकते हो। सपोर्ट रहेगा 840 का, अगर इसके नीचे भाई देता है तो निकल जाना, और टारगेट यहाँ पे आप रख सकते हो। यहाँ पे पहला टारगेट जो है 853 का, अगर उसके बाद रहेगा 860 का, ये टारगेट आप रख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। और बाकी कोई भी ऐसा डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और फ्रेंड्स, आपने कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखी है वो भी कमेंट करना, या फिर अपेंडो में आपने अपनी पोजीशन बना रखी वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, इन्वेस्टमेंट से पहले खुद के एनालाइज जरूर करें।